हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वी विल सॉल्व टू थिंग्स हेयर. तो एक्चुअली कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मेरी वेबसाइट्स में ये प्रॉब्लम आई थी. दिस थीम्स फेल टू लोड प्रॉपरली एंड वाज पॉज विद इन द एडमिन ब्लॉक. द थीम फेल टू लोड एंड प्रॉपरली इट वाज अ पॉज विद एन एडमिन ब्लॉक. इस टाइप के जो मैसेज हैं ये आते थे मुझे. तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशंस बताऊँगा. इसके अलावा एक और भी बात है यहाँ पे कि जब मैं थीम चालू कर रहा था तो मेरी थीम चल नहीं रही थी. अब हालांकि मैंने सारी थीम्स को बाकायदा चेक कर लिया है. तो मैं ये बताता हूँ, इसके सॉल्यूशंस के लिए कोई कोडिंग या किसी पीएचपी या किसी फाइल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है. तो मैं जिस काम किया हूँ जिस साइड में वही आपको बताता हूँ. तो जैसे कि एक मिनट, मैं कुछ अपनी साइट्स खोलता हूँ और आपको बताता हूँ अभी. हालांकि मैं ये दो दिन से प्रॉब्लम्स थी मेरे साइट्स में, बट लेट्स ट्राई. अगर अभी किसी में, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी साइट्स का सॉल्यूशंस कर लिया, सभी सॉल्व हो चुकी हैं. अगर किसी में होगा तो मैं लाइव बताऊँगा, अदरवाइज आई विल गिव यू द यू नो आइडिया हाउ टू सॉल्व दैट. तो यहाँ पे एक साइट पर बताता हूँ, ये चालू करता हूँ. तो ये देखिए, अभी साइट प्रॉपरली चल रही है, ठीक है ना. ये सारी चीज़ चालू है, मगर एक्चुअली ये साइट पहले चल नहीं रही थी, ठीक है ना. तो इसमें क्या आ रहा था, ब्लैंक मैसेज का आ रहा था यहाँ पे, देयर इज सम टेक्निकल इशू. तो फिर मैंने किया क्या है इसके लिए, मैं वो आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले तो आप यहाँ पर लॉग इन नहीं कर पाएंगे. किस में? वर्डप्रेस में लॉग इन नहीं हो पाएगा आपका. बिकॉज इसके लिए अब लॉग इन करना है तो क्या होगा कि इसमें जो रीसेट वाला ईमेल होता, पासवर्ड रीसेट वाला ईमेल, उसमें एक ईमेल आ जाया करता हमेशा. तो वहां से आप जस्ट अ मिनट, तो मैं आपको दिखाता हूं. यहां पे एक ईमेल आ जाता है, तो आप इसे सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है ना, ये आया. तो क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे वर्डप्रेस में, तो उस समय आपको क्या करना है कि आपका जो एडमिन वाला ईमेल है या जीमेल है, जो भी है, तो आपके वहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा. ये देखिए, ये ऐसा ईमेल आएगा, एक्सपीरियंस आ टेक्निकल स्कूल. ये देखिए, ये ऐसा मैसेज आ जाएगा. मैं ये नोटपैड में डाल देता हूँ, ठीक है. ये ऐसा मैसेज आएगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ईमेल दिया हुआ है नीचे, ये. तो यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना. अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसमें लॉगिन कर सकते हैं. हालांकि अभी मैंने सॉल्व कर लिया, तो मैं ये देखिए, अभी क्योंकि सॉल्व हो गया तो ऐसा आ रहा है. सॉल्व नहीं होगा तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे, ठीक है ना. तो वर्डप्रेस में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप फिलहाल कुछ भी मत करिए. वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. तो सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना है अपने सी पैनल में. तो अभी मेरी कुछ वेबसाइट्स हैं, अब हालांकि मैंने लगभग सभी को सॉल्व कर लिया है, फिर भी चेक कर लेता हूँ एक बार. मैं देखता हूँ, मैं सॉल्व बाद में करूँगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉल्व है कि नहीं है. हाँ, ये भी सॉल्व है. तो ये देखिए, बहुत सही साइट थी मेरी, 5-6 साइट थी, एक ही दिन में एक साथ बंद हो गई थी. तो अब ये देखिए, इसका कुछ काम बचा भी है. ये जो है कुछ पूरी की पूरी सॉल्व नहीं हुई है, तो इसे मुझे ड्रैग करके यहाँ पर लेना है. ये देखिए, ऊपर आ रहा है ना, दिखाता हूँ. ये देखिए, ये आइकॉन्स वगैरह यहाँ थे, आधा काम हो गया. तो यहाँ पे कुछ साइड हैं जो टोटली क्लोज हो जाएंगी. मेरी खुद की एक साइड है, वो भी चेक कर ही लेते हैं. तो ये देखिए, हाँ, ये प्रॉब्लम आएगी आपको. ये दिख रहा है, द प्रॉब्लम इज क्रिटिकल एंड वेबसाइट, है ना. ये देखिए, ये ऐसा आएगा. तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैं वो बताता हूँ आपको. तो अगर ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आप जाओगे अपनी वेबसाइट्स में, चले जाओगे जहाँ पे भी आपकी वेबसाइट्स वगैरह हैं. तो अब ये होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं जिसको सॉल्व किया हूँ उसका एग्जांपल देता हूँ. कि आप चले जाएंगे यहाँ पे सी पैनल में, जहाँ पे भी आपका सी पैनल होगा ना, आप उसमें चले जाइए. तो अब मेरे पास यहाँ पे शेयर हॉस्टिंग है, तो मैं शेयर हॉस्टिंग के सी पैनल में जा रहा हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे आप जाओगे तो उस वेबसाइट में चले आइए जो बंद थी. तो सपोज़ मेरी ये वेबसाइट्स बंद थी, तो इसके अंदर गया मैं, ठीक है. अब यहाँ पे भी जाऊँगा तो कहाँ पे जाऊँगा, डब्ल्यू पी कंटेंट में जाऊँगा. ये देखिए, ओके, आ गया. अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ की है मैंने. ये मेरा पुराना फोल्डर है जिसमें देखिए सारे प्लगिंग्स डले हुए थे, ओके.
अप करता हूँ। ये मेरी थीम है जिसमें पुरानी थीम डली हुई थी, ये देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो प्लगइन्स का जो फोल्डर है अभी है जो फिलहाल, उसे और जो थीम का फोल्डर है उसे, ये दोनों को आप रीनेम कर दीजिए। तो मैं हमेशा रीनेम अंडरस्कोर ओल्ड कर देता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर अगर रीनेम कर दिया मैंने तो ये थीम कहाँ से मिलेगी ये वाली, तो मैं क्या करता हूँ अक्सर जो थीम अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये शेयर होस्टिंग है तो इसमें तो अनलिमिटेड स्पेस रहता है ना, तो मैं थीम को यहीं पर रहने देता हूँ। तो जब मैंने थीम इसमें डाली थी यहाँ पर, अब करके देखता हूँ, थीम्स के अंदर जाता हूँ, तो ये देखिए थीम का जिप फोल्डर है, मैंने यहीं का यहीं डाल दिया था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, थीम है ना जैसे, तो ये देखिए यहाँ से मूव हो जाता है, ये मूव किया मैंने, तो ये देखिए ये मूव हो जाता है ये। तो पहले ये जो थीम था ना यहाँ ओल्ड वाले में मैंने डाल के रखा था, ये देखिए यहाँ था, जब भी मैं अपलोड करता हूँ ना तो वो थीम का फोल्डर यहीं छोड़ देता हूँ, कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं थीम रीसेट कर सकूँगा। तो इत्तेफाक से मैंने ये थीम यहाँ डाल दी थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लगइन्स और थीम्स दोनों को रीनेम कर दिया। मतलब अगर देखूँ रियली तो एक्चुअली इस वेबसाइट्स में थीम अभी है ही नहीं। फिर उसके बाद आप जाएंगे फोल्डर्स में, ये है ना, तो यहाँ से आप फोल्डर बना लेंगे, एक प्लगइन्स का नाम का, याद रही PLUGINES, एस जरूर लगाना है, तो एक प्लगइन्स नाम का बना लीजिए और एक थीम नाम का बना लीजिए, बन गया। इन फोल्डर को रहने दीजिए यहाँ पे। और अब इसके बाद क्या करिए, आपकी जो थीम है ना ये यहाँ पे, यहाँ पे वो जो भी आपका फोल्डर है, ये मैंने अभी दिखाने के लिए किया था ना यहाँ पे, ये इसको मूव कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसे मूव कर देता हूँ मैं अप लेवल किया, ये जो है थीम है ना, इसको मैं इसके अंदर डाल दिया, ये थीम के अंदर ये, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करके आता है ना एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा। जब ये थीम का फोल्डर आ जाएगा तो आप अब लॉग इन कर चुकेंगे। लॉग इन क्यों करेंगे, आप कहाँ से मिलेगा, आपको जीमेल से मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन मिल जाएगा आराम से, है ना। साइड इज टेक्निकल इशू, ये आता है ना, तो यहाँ से आप ऐसा करके यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो वहाँ जब आपने लॉग इन किया है तो वहाँ पे आपको जाना था थीम सेक्शन में, और थीम को फिर से आप एक्टिवेट कर दीजिए। और थीम को एक्टिवेट कर दिया ना आपने, तो थीम को एक्टिवेट करने के बाद आपको फाइनल क्या करना है, कि थीम को एक्टिवेट करके आपको वो प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर लेगा, सब कुछ इंस्टॉल कर लेगा और आपकी थीम अपने आप चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करना है कि जो अपग्रेड नाम का फोल्डर है, ये अपलोड्स नाम का फोल्डर है, हर फाइल एक यहाँ के अंदर होती है। आप जो भी डिज़ाइंस बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सारी यहाँ होती है। तो इसे आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है ना, बल्कि इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अपग्रेड का फोल्डर इसे डिस्टर्ब मत करिए। आपको चाहिए है तो रीनेम करने के बाद आप वर्डप्रेस को, जो आपका वर्डप्रेस है ना, उसे अगर अपडेट मांग रहा है तो आप अपडेट भी कर दीजिए। और अगर आपने ये दोनों चीज़ रिसेट नहीं की है, और इसके अलावा अगर आपने वहाँ पे एक चीज़ और है कि आपने कोई थीम में कोई पेज वगैरह डिलीट नहीं किए, तो ये पेजेस में जाके ऑल पेजेस, यहाँ पे आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, ये वही साइड है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ कुछ भी डिलीट मत कीजिए, कुछ भी रिसेट मत करिए, कोई भी सेटिंग में कुछ गड़बड़ मत करिए। आप प्लगइन्स है जो, तो इंस्टॉल प्लगइन्स में जब रीनेम करेंगे तो यहाँ सब कुछ गायब हो जाएगा प्लगइन्स में, तो वो भी होने दीजिए। और जब साइट फिर से एक्टिवेट होगी ना, तो वो आपको जैसी की तैसी साइट चालू हो जाएगी। और उसके बाद आप डेटाबेस ले लीजिए, मतलब जो भी, सॉरी, डेटा जो भी है वो डाल लीजिए, तो ये हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हो सकती है, और साइड इज एक्सपीरियंस टेक्निकल इशू है ना ये। तो आपको क्या करना है, स्टेप वन, रीनेम द फोल्डर, कौन सा, प्लगइन्स और थीम, ये दोनों फोल्डर आपने रीनेम कर देने हैं, ठीक है ना। फिर आपको दूसरी बार में क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, आपको क्या करना है, रीइंस्टॉल द थीम्स एंड प्लगइन्स, ये आपको रिस्टॉल करना है, सिर्फ इतना करना है। कोई भी, बहुत सारी कोडिंग दी हुई है गूगल में, बहुत सारे लोग नई नई चीज़ बताए हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता किसी चीज़ को कुछ भी करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप ये दो काम करेंगे तो आपकी साइट चालू हो जाएगी, डोंट वरी। और साइट में कुछ गड़बड़ होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो रीनेम के बाद आप चाहें तो
जब आप रीनेम करते हैं तो सॉरी यहाँ पे स्टेप टू आएगा एस टू क्रिएट टू न्यू फोल्डर। तो कहाँ पे आप टू फोल्डर नए क्रिएट करेंगे, कहाँ पे करेंगे भैया, समझ तो गए होगे। ये देखिए यहाँ पे किसके अंदर, अप लेवल इसके अंदर डब्ल्यू पी कंटेंट के अंदर। मैं रीनेम करता हूँ इसको, कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ पे करेंगे यार, चलता हूँ यार यहाँ पे, ये है ना। एक आप प्लगिंग्स नाम का फोल्डर बना लेंगे, है ना, एक प्लगिंग्स नाम का फोल्डर बना लेंगे, और दूसरा कौन सा बना लेंगे आप, थीम नाम का, ठीक है ना। अब थीम के अंदर थीम को डाल देंगे आप, स्टेप थ्री क्या है, थीम के अंदर नई थीम डाल देंगे आप, और उसके बाद आप थर्ड स्टेप क्या है, रीइंस्टॉल कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी आप एक्स वाई जेड चलने लगेगी, जो डोंट वरी अबाउट डैट, थैंक यू सो मच।